हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडूके के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे आप, सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 60-20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 18 फरवरी को इंडिया टाइम के साथ शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म, चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम कराची किंग्स की बात करें तो जहां 5 मैच 4 मैच लॉस करके आ रही है, तो वहीं 1 मैच विन करके आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम क्वेटा के लिए डेटियस की बात करें तो सेम पोजीशन है, 5 मैच 4 मैच लॉस करके आ रही है, 1 मैच विन करके आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे लगभग दोनों का परफॉर्मेंस इक्वल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे कराची किंग्स को 5 मैच देखने जीत कर आ रही है, वहीं क्वेटा के लिए डेटियस भी 5 मैच जीत के आ रही है। तो हेड टू हेड में भी दोनों का परफॉर्मेंस लगभग इक्वल चल रहा है। वहीं अगर अब आगे बढ़ते फिर ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपटीशन करते हैं लास्ट 3 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकता है। तो पहली कंपटीशन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे कराची किंग्स का 10% देखने को मिल रहा है, तो वहीं क्वेटा के लिए डेटियस का 40%। एवरेज स्कोर की बात करें तो कराची किंग्स का 163 है, तो वहीं क्वेटा के लिए डेटियस का 158 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो कराची किंग्स का 157 है, तो वहीं क्वेटा के लिए डेटियस का 207 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो कराची किंग्स का 135 है, तो वहीं क्वेटा के लिए डेटियस का 110 है। ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपटीशन। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्वेटा के लिए डेटियस की थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है। बढ़ते फिर चलते हैं वेदर की। आज के मैच वेदर कैसी रहेगी तो सन्नी रहेगी, 25 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 33% रहेंगे, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो जहाँ पे 183 देखने को मिल रही है, वहीं सेकेंड इनिंग में 171 बनने की संभावना है। इस पिच पे टोटल अभी तक 16 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंड में भी अच्छे स्कोर बनाए जा सकते हैं। बट यहाँ पे जो भी टीम अगर चेस करेगी वो इजीली वे में मैच यहाँ पे चेस कर सकती है इस पिच पे। अब आगे बढ़ते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहली टीम कराची किंग्स की बात करें, नो डाउट अच्छी टीम है, बट पिछले मैच की बात करें तो पिछला मैच अपना हार के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बात करें तो ये भी टीम काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग है। वहीं पिछली मैच की बात करें तो पिछला ये भी मैच अपना लॉस करके आ रही है। एक दूसरे के काफ़ी अच्छे बीट भी कर सकते हैं, दोनों के बीच में मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त हो सकती है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वही बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम कराची किंग्स के की प्लेयर की बात करें तो मैथ्यू बेट, इमाद वसीम, जेम्स विंस, मोहम्मद आमिर। वहीं अगर दूसरी टीम क्वेटा ग्लेडिएटर्स के की प्लेयर की बात करें तो जेसन रॉय, मार्टिन गुप्टिल, मोहम्मद हसनैन, सरफराज अहमद। ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए क्वेटा ग्लेडिएटर्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।